That's the story of my life. Don't go on my face. I genuinely mean it. His character would read such a book. You're talking about that book, Secret, which is kept in there. Huh? Is there a character, Secret, How to Grow in Life, 10 Things? Yes. Art of Living. Wo sab padhne type ka character hai ye, isliye. Character hai? Many. Suddenly, Dalrymple nahi pad sakta ye. See, I'm still struggling. No, honestly. लेकिन मैं कभी मेरे साथ वैसी struggle नहीं रही कि वड़ा पाव खा रहा हूँ, विरार जा रहा हूँ. वो हुआ नहीं क्योंकि मैं शेखर कपूर साहब का assistant था ही, Bandit Queen करके भी उन्होंने मुझको बुलाया था. मैं already उनका एक star director का assistant था. तो कोई उस तरह की problem नहीं थी कि यार काम नहीं है. एक office था जहाँ सुबह जाना होता था, Ludo खेलना पड़ता था, दिन भर वापस आ जाना पड़ता. लेकिन तो उस तरह की struggle नहीं थी. Ah, hey, how are you? मैंने वैसे ही रोमांस देखा है, वैसे ही रोमांस किया है, तो वैसे ही रिफ्लेक्ट होगा ना. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. अमित के साथ मैंने उससे पहले भी काम किया था. वो फिल्म आने वाली है, यारा नाम है उस फिल्म का. चार दोस्तों की कहानी है. वो चार दोस्त 10 साल की उम्र से जो 55-58 साल के हो जाते हैं, तब तक की पूरी जर्नी है. तो वो इतना मुश्किल रोल था, चारों ने किया. विद्युत है, ये है कैनी है, विजय वर्मा है. तो वो काम करते वो इतना मुश्किल रोल था जो इन लोगों ने किया, पर नेचुरली और बहुत बखूबी किया वो रोल. उसके बाद ये पिक्चर आई मेरे पास, ये शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए. तो एकदम से और अमित के साथ वो फिल्म करके, यारा करके, एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी. मज़ेदार लड़का है ये, बहुत ही और छोटे भाई जैसा है, बात सुनता है मेरी, तो नेचुरली अच्छा लगना लाजमी है. तो फिर वो ये आई तो मुझे तुरंत आया कि वो कैरेक्टर को सूट भी कर रहा था अमित. एक इनोसेंट लड़का, मुस्लिम, लखनऊ का, इसकी भाषा भी अच्छी है, हिंदी बहुत साफ है, लखनऊ में पढ़ा भी है ये. तो मेरी सारी रिक्वायरमेंट थी जो मेरी एज ए डायरेक्टर, वो पूरी कर रहा था. और मैं उसको, मुझे उसको पैसे भी नहीं देते तो भी आकर दी थी इसने. तो उससे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट वो भी थी. तो इसलिए मैंने अमित को चुना. अमित जी, जब इस तरह से लाइक कमेंट मिलता है कि मैं पैसे भी नहीं देता, मेरा छोटा भाई है और मैं इसके लिए भी कन्विंस कर लेता हूं, जी क्या ठीक होता है? मैं एक ही चीज़ मालूम है भाई, मैं बचपन में कभी पिक्चर नहीं देखता था. मुझे नहीं मालूम था कि मैं फिल्म एक्टर बनूंगा या मैं बॉम्बे आऊँगा. मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि टिशू सर यहाँ हैं, उनको पता है मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ. वन ऑफ द फर्स्ट हिंदी फिल्म्स जो मैंने अपने करियर में देखी या लाइफ में देखी, वो हासिल थी. मेरी लाइफ की फेवरेट फिल्म, आज तक के नंबर वन फिल्म, पान सिंह तोमर है. सो आप देख समझ सकते हैं कि मैं कितना प्रभावित हूँ सर के फिल्म मेकिंग से. एंड देन मैं इनके पास मिलने गया था,
मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली कायपोचे से पहले मैं बहुत कोशिश करता था. सर के कुछ असिस्टेंट थे, उन्होंने एक सीरियल डायरेक्ट किया था राजधानी, उनके भी लोगों को बोला कि मुझे मिलवा दो. फाइनली कायपोचे के बाद किसी तरह जरिया लगा के मैं इनसे पहली बार मिला. एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरे टीचर ने एक पिक्चर दी और उसके बाद ये दी. एंड ये तो पिक्चर है जो आप देखते हैं, मेरे व्यक्तिगत लाइफ में, मेरे क्राफ्ट में, मेरी पर्सनैलिटी में जो सुधार आया है उनके साथ काम करके, मैं ज़िंदगी भर उनका आभारी रहूँगा. बट उनका काम अभी ख़त्म नहीं है, उन्होंने मुझे और सिखाना है और काम देना है अभी. अगर मुझे मौका मिलेगा तो और स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि फ्यूचर यही है. लोगों ने सिनेमाघरों में आना बहुत बहुत कम कर दिया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है. सारे सर्किट में देख लीजिए, बॉम्बे सर्किट में 18% ड्रॉप है पिछले 6 सालों में. तो लोग अपने घरों में अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे फिल्में देखना पसंद करते हैं. तो शॉर्ट फिल्म एक अच्छा है, वो बहुत देर तक उनका वक्त भी ज़ाहिर नहीं होता. आधे घंटे 45 मिनट की फिल्म है, देखी, ख़त्म हो गई, सराहा, अच्छी लगी, बुरी लगी, जो भी है, फ्यूचर यही है. सर सर हम क्या कह सकते हैं, क्या शॉर्ट फिल्म फुल फीचर फिल्म को टेक ओवर कर लेगी? क्योंकि देखा जाए तो 20 मिनट्स में एक फुल एक स्टोरी बताई जाती है, फुल फीचर फिल्म में 2.5 घंटे लग जाते हैं. तो क्या कह सकते हैं ओवरटेक कर लेगी, क्योंकि उसमें सेंसरशिप भी नहीं होती है कुछ टेक या कुछ सेंसर? नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई कहानियाँ होती है जिसको वक्त लगता है कहानी कहने में. कई पिक्चर होती है जिनको 2-2.5 घंटा चाहिए होता है. आप बायोपिक शॉर्ट फिल्म नहीं बना सकते किसी की. हमें पान सिंह तोमर आधे घंटे में नहीं कहा जा सकता. पान सिंह तोमर को चाहिए 2.5-3 घंटा. और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ, अगर जैसे गॉडफादर फिल्म अगर बनाया तो आप आधे घंटे 45 मिनट थोड़ी बता सकते. सागा, बड़े बाहुबली, कैसे कोई आप 45 मिनट बता पाएगा? तो हर कहानी का के अपने एक टाइम की रिक्वायरमेंट होती है. तो छोटी इस तरह की कहानी या फिर एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, क्योंकि कम पैसा लगता है, डिजिटल फॉर्मेट आ गया है, ऐसी एक्सपेरिमेंटल फिल्म जो सबके लिए, शायद मासेस के लिए ना हो, लेकिन कुछ इवॉल्व लोग, थोड़े इंटेलेक्चुअल, उनको इस तरह की चीज़ें पसंद है. तो ये सारी सब तरह की क्या एक्सपेरिमेंट शॉर्ट फिल्म के फॉर्मेट में किया जा सकता है. जी, आपकी तो पहली शॉर्ट फिल्म है, जी. तो आप बताइए कि आगे भी हम आपको देखेंगे इस तरह से शॉर्ट फिल्म में, तो कितना पसंद आया आपको शूटिंग के दौरान, शॉर्ट फिल्म के दौरान? आई थिंक जो टिशु सर ने कहा, मेरा भी वही मानना है. आई थिंक एज एन आर्टिस्ट, एज यू नो, कि जब कोई एक अच्छी कहानी आएगी, अगर ऐसा लगेगा कि यू नो वो ये कहानी दुनिया तक पहुँचानी चाहिए, ज़रूर उसका हिस्सा बनूंगा. ओके सर, इसके अलावा इसके पहले आपको ब्रेथ में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था, उसके बाद अब बहुत ही जल्द और एक आ रही है आपकी जो वेब सीरीज, उसके बारे में आप बताएं, इंडियन स्ट्राइक के बारे में? आई थिंक टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ इज टू अर्ली. आप सबको पता है हमने अनाउंस किया है कि अगले साल आएगी. अभी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड वक्त आने पर उस बारे में बात करेंगे. जी, थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू.